देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बता दें कि 29 जुलाई को अंतिम बार कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसके बाद मानसून सत्र शुरू होने की वजह से अब 2 हफ्ते बाद बैठक होने जा रही है, जिसमें कई एजेंडों पर मोहर लग सकती है। लोन की ब्याज दर तय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक आज यानी 6 अगस्त से शुरू होगी। वहीं बैठक के 3 दिन बाद RBI गवर्नर शशिकांत दास 3 दिवसीय बैठक में हुए फैसलों का ऐलान 8 अगस्त को सुबह 11 बजे करेंगे। ग्राम पंचायत नौगवा के विकास कार्यों में घोटाला करने के आरोप में DM ने ग्राम प्रधान को पद से हटा दिया था, जिसके बाद अब आज यहां प्रधान पद उपचुनाव होगा। बता दें कि प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे अनिल यादव और भोले यादव में कांटे की टक्कर है। हरियाणा के सोनीपत जिले में आज नई अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि जिले के गोहाना वाल्मीकि चौक बरौदा हल्का अध्यक्ष सुरेंद्र के कार्यालय पर इनेलो और BSP पार्टी के गठबंधन की पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें रैली के आयोजन की समीक्षा की गई। राजस्थान के अलवर जिले में 16 होटल और रेस्टोरेंट पर आज बुलडोजर कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि जिले के सिलीसेड़ में कब्जा करने वाले 16 अतिक्रमियों के होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट आदि पर जल संसाधन खंड ने 26 जुलाई को नोटिस चस्पा किए थे। आज पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत जर्मनी से होगी, वहीं अन्य सेमीफाइनल में स्पेन और नीदरलैंड भिड़ेंगे। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। बता दें हॉकी में भारत कुल 12 ओलंपिक मेडल जीत चुका है, जिसमें 8 गोल्ड मेडल शामिल है। मध्य प्रदेश के काला पीपल में इस वर्ष भी खेड़ापति हनुमान का बड़ा मंगल पर्व मंगलवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। बता दें कि सार्वजनिक बड़ा मंगल उत्सव समिति के तत्वाधान में सुबह 10 बजे खेड़ापति हनुमान का अभिषेक और 10:30 बजे हवन पूजन और महाआरती होगी। फ्लिपकार्ट ने स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए फ्लैगशिप सेल का ऐलान किया है। सेल की शुरुआत आज दोपहर 12 बजे से होगी। बता दें कि कपड़ों पर 50% से 80% डिस्काउंट, वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 80% छूट मिलेगी। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक की गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष आमरण अनशन का ऐलान किया है, जिसके बाद आज धनबाद शिक्षक संघ अधिक से अधिक संख्या में रांची कूच करेगा। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में आज तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान करीब करीब पूरा यूपी ही बारिश की चपेट में रह सकता है। बता दें कि IMD ने यूपी के अमरोहा, बरेली, रामपुर, नोएडा, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज के दिन सन 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आज के दिन सन 1933 में भारतीय क्रिकेट AG कृपाल सिंह का जन्म हुआ था। आज के दिन सन 1945 में हिरोशिमा पर अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया था। आज के दिन सन 1986 में भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। आज के दिन सन 2006 में भारतीय राजनीतिज्ञ एवं दलित नेता सूरज भान का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।